Hi guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Asha and I am Sana and we are the Dumb Duad. Yes, तो guys आज हम react कर रहे हैं काफी ज्यादा demanded और बहुत पहले की requested video पे, which is Bollywood Chapa Factory. So guys yes. जब से हमने channel खोला है तब से वाली demand आ रखी है कि इस पे react करो, इस पे react करो. हम कर नहीं रहे थे क्योंकि हमारे को मन नहीं कर रहा था या फिर हमारे पास बहुत सारा कंटेंट था ऑलरेडी, ओएसटीज और फिर एर्तुगुल ड्रामास बहुत सारे और ब्यूटी थी पाकिस्तानी. तो फिर अभी हमें टाइम मिला तो हमने सोचा कि इस पर रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें से क्या है. तो नाम थोड़ा पता लग रहा है कि ऑब्वियसली कुछ कॉपीड कंटेंट होगा, तो वो हम देखते हैं अभी क्या है. आई गेस यू विल बी शॉक्ड. यस, और अभी ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है. अगर हमें पसंद आएगा और आप लोगों को पसंद आएगा तो हम जरूर पार्ट 3 और 4 पे भी बनाएंगे. यस गाइस, बट अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते हैं. यस, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो, और कमेंट में आप हमें बता सकते हो कि आप आगे की कोई पार्ट देखना चाहते हो या नहीं. यस गाइस, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो. मुंडी मत करता राजा, सीधा अंदर आ राजा, मुंडी ना खड़का तो बहुत फेमस है. हाँ, चले तो पलट ही जाए, ये नहीं पता था मुझे. हाँ, नो आइडिया. सुना ही गाना, ये नहीं सुना मैंने सॉन्ग. मैंने भी सुना. अरे गाना मैंने सुना भी नहीं है बॉलीवुड में, और ये भी नहीं सुना मैंने, बहुत पुराना होगा. अली ज़फ़र, ओ क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कॉपी है भाई. उतना नहीं लग रहा, सेम थोड़ा लग रहा है. हाँ भाई, ओ भाई ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए यार. ये तो बहुत अच्छा गाना है गाइस. हाँ, श्रेया घोषाल का ना. दिस इज बैड, ये बहुत फेमस सॉन्ग. तो बॉलीवुड क्रेडिट देता है या फिर नहीं देता, पूरा ही सेम कॉपीड है. हाँ, ये तो चलो समझ आता है, फोक सॉन्ग है तो इस वजह से. ओ माय गॉड गाइस, वीडियो खत्म भी हो गई. मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, लड़का बदनाम हुआ हसीना. सेम है, ओरिजिनल है बेटा. हां, सो मेरे को बोलना है जो मेरे को वैसे बोलना है कि मेरे को पता नहीं था कि इतने सारे सॉन्ग हैं. और श्रेया घोषाल का आया ना सबसे ज्यादा, मेरे को वही शॉकिंग वाला लगा. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर तुम मिल जाओ तो लाइक बहुत ही बेस्ट सॉन्ग था और अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है. और हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि श्रेया घोषाल ने गाया है ऑब्वियसली, बट हमें ये नहीं पता था कि श्रेया वो वाला कॉपीड है सॉन्ग, मतलब उसकी ट्यून और वो पूरा. हाँ नहीं, काफी सारा कॉपीड था, पूरा ही था. तो मेरे को ये थोड़ा डाउट है कि लाइक ऐसे क्रेडिट देते हैं बॉलीवुड वाले कि लाइक ओरिजिनल ये था तो इससे हमने इंस्पायर होके बनाया, और दे जस्ट डोंट और दे जस्ट कॉपी. ये हमें नहीं पता, ये आप लोगों को हमें कमेंट्स में बता सकते हो. बाकी जो लास्ट का फोक सॉन्ग था वो मुझे लगा था वो तो कर ही लेते हैं लोग, क्या पता यार. वैसे थोड़ा प्लेजरिज्म ही है बट who knows. बट गाइस बेबी डॉल वाला मेरे को नहीं लगा वो कॉपीड वाला. हाँ बेबी डॉल वाला भी नहीं लगा था. बाकी मेरे को वो लगा था यार, वो जो स्टार्टिंग वो वाला आया था सॉन्ग, यार मैं नाम भूल गई, बट वो तो बिल्कुल ही सेम लग रहा था. तुम्हें अपना ना निकाल जुनू, वो भी बिल्कुल सेम लग रहा था यार. ये नहीं पता था मुझे गाइज. ओके, दिस इज वेरी शॉकिंग. तो चलो अभी देखते हैं हम पार्ट 2 में हमें क्या क्या शॉक. पार्ट 1 में हो गया हमें, अब पार्ट 2 देखते हैं. सो लेट्स गो. माशूक अपने हाथों से शराब फिर जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब फिर नहीं रहती हराम पी, इसे ले लिया. सारा जहां गाए तुझे ये मेरा दिल। वैसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ओके आई नो द ओरिजिनल वन। बड़ी है मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूं मस्त। फर्स्ट टाइम होगा नहीं सुना तूने? सेम है पर थोड़ा सा अलग लग रहा है। हल्का सेम ही है ये गाने पे डांस करते। ओह पूरा ही सेम है तो। तो बिल्कुल सेम है। इसी कंपैरिजन No. ओ, ये नहीं होना चाहिए भाई। ये सारे हमारे बचपन क्यों लेके जा रहे हैं? ये मैंने सुना हुआ, मैंने भी सुना हुआ है। हाँ टीवी पे आता था शायद यार, सुन रखा है ये। हाँ यूट्यूब पर यार ये नहीं होना चाहिए यार, ये तो गलत बात है यार। सब कुछ ही मतलब पूरी पूरी लाइन्स। रियली सरप्राइज पूरी लाइन से एक्चुअली छापा। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं। जो गाने मेरे को लगते हैं कि वाव कितने अच्छे वो सारे मतलब क्या ये गाना तो कितना हुआ यार। ये सारे आइटम सॉन्ग्स में कॉपी कर रहे हैं यार। ये ओरिजिनल क्यों सुना हुआ है? इसको ओरिजिनल सुनाया इन्होंने। अच्छा से इन्होंने दिखाया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉपीड हैं, दोनों लग रहा है। मेरे को फेविकॉल नहीं लग रहा पर कॉपीड। फेविकॉल पे वो लग रहा है, फेविकॉल वाला दिखाया नहीं है। अच्छा ओरिजिनली सो मच बेटर। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर मैं देखूं उसको इधर उधर। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर मैं देखूं उसको इधर उधर। असां जाने दिलों दे घर किने किने जाने दिलों दे घर। असां जाने दिलों दे घर भाई किने किने जाने दिलों दे घर। ये थोड़ा अलग लग रहा है ट्यून सेम थी उसकी गाइस। ओह माय गॉड। तो गाइस पता चला कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बिल्कुल एज इट इज कॉपी है लाइन टू लाइन। दिस इज सो शॉकिंग। जिस गाने का हमने कभी, मेरे को लगा था अगर कॉपीड होंगे तो ऐसे होंगे जो हमने नहीं सुने होंगे या फिर जो थोड़े ऐसे कम फेमस वाले सॉन्ग्स हैं। बट मुझे लगा था कॉपी ऐसे होंगे कि जिनकी ट्यून कि थोड़े से ट्यून्स ना मैच कर जाती हैं, ट्यून सेम होगी। बट इन्होंने तो पूरे लिरिक्स बहुत सारे मतलब। मेरे को सबसे ज्यादा शॉकिंग अभी तक कौन सा लगा? मेरे को सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा अगर तुम मिल जाओ और एक वो तुम्हें अपना बनाने का जुनून। एक वो था, एक और था सॉन्ग इमरान हाशमी का पता नहीं। हाँ और एक वो वाला सैफ अली खान का यार अभी जो उसमें डांस कर रहा था वो। गाइस ओह माय गॉड मेरे को सबसे ज्यादा ये तीन लगे शॉकिंग क्योंकि इनका तो बिल्कुल सेम बिल्कुल लाइंस के साथ साथ कॉपी करा गया है। और हमें आज तक पता ही नहीं था कि ये पाकिस्तानी ओरिजिनल सॉन्ग्स है। वी नेवर न्यू। सबसे बड़ी बात अगर पता होता तो कोई बात नहीं, अगर चलो करा भी है बट यार तो क्रेडिट्स देने चाहिए। क्या पता दिए भी और वी डोंट नो। बट ठीक है अभी हमें पता चल गया तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा हम मतलब कॉपी है और कौन सा नहीं है। बट अच्छा लगा सुन के पता चला guys, कि अच्छा पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। यस गाइस कि कॉपी करा हुआ इतना सारा बॉलीवुड ने। छापा फैक्ट्री सही नाम रखा है। बट गाइस इट वाज अ फन वीडियो, मजा आया। और मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि अगर तुम मिल जाओ कॉपी है। गाइस इसका दुख तो हमें रहेगा पूरी जिंदगी, सही में पूरी जिंदगी रहेगा क्योंकि हमने पूरा बचपन में भाई ये अगर तुम मिल जाओ इज़्ज़त ला यार ओजी भाई बचपन का बेस्ट सॉन्ग। और अभी का भी बेस्ट है। तो गाइज आप बताओ कि आप चाहते हो कि हम और पार्ट्स पे रिएक्ट करें या नहीं, क्योंकि हम तो चाहते हैं और देखिए गाइज। और अगर कोई लोग इंडिया से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप बताओ कि आपको सबसे शॉकिंग वाला कौन सा लगा। यस, कौन सा लगा कि आप किसके लिए इतना ज्यादा सैड हुए कि ये कॉपीड है। यस गाइस, सैड भी क्या बट थोड़ा एक ऐसे शॉक था। सैड इन द सेंस कि तुम्हें लगा कि वाह हम धोखे में थे, हम धोखे में थे, इसीलिए सैड, उसलिए सैड भाई गाइस। बट या मेरे को बड़ी ऐसे हैरानी भी और ऐसे वैसे भी हो रहा है कि लाइक वाओ कितने लाइक अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान में और बॉलीवुड ने कॉपीड करा हुआ है। सो गाइस मेरा मन कर रहा है और भी हम इसके पर रिएक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं हम इसके और पार्ट्स पे ऐड करें सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक करो, 1K लाइक कर दो 1K। यस गाइस, सो थैंक यू वाचिंग, बाय गाइस, बाय।